हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच बेसिक अलजेब्रा का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे आज कुछ नए एग्जांपल। कल हम लोग 5 नोट पढ़ लिए थे, आज नोट नंबर 6 होगा। 6 नोट ये होगा कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आधार समान हो और ये संख्याएं गुना के रूप में हो तो इनके इनके पावर को जोड़ देंगे। चलिए ध्यान देंगे। नोट ये बोलता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का आधार समान हो यानी बेस इक्वल हो और ये संख्याएं अगर गुणा के रूप में हो तो इनके घात को जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5, तो ये 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों का आधार इक्वल है और ये संख्याएं गुना में है तो हम इनके पावर को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएंगे कितने, 5 और 3 8, यानी इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 8। जैसे मैंने लिख दिया x^a (x^b) (x^c), तो इनका बेस इक्वल है और ये इंटू में है तो हम इनके पावर को जोड़ देंगे। तो ये हो जाए कितना, x^a (b+c)। जैसे लिख दिया 5^6 (5^9)(5^8), तो इन सब का बेस इक्वल है और ये इंटू में है तो हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 6 (15) और 8 (23), यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 5^23। तो हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं जो अभी तक बैंक, रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, ये एयर फोर्स और आर्मी लेवल का एग्जांपल है। यदि 5^3 × 5^6 = 5^x है तो x का मान होगा, सिंपल एग्जांपल है। यदि 5^3 × 5^6 = 5^x है तो x का मान होगा। तो आप देखेंगे कि बराबर के इस साइड में जो संख्या है इनका आधार इक्वल है और ये इनटू में है तो हम इसको जोड़ देंगे इसके पावर को। तो ये हो जाएंगे कितने, 6 और 3 9, यानी इसको लिख सकते हैं 5^9 = 5^x। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये आर्मी लेवल का एग्जांपल था। अब हम लोग थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, यदि 2/3^6 × 2/3^8 = 2/3^3x − 1 है तो x इक्वल टू व्हाट, सिंपल है। यदि 2/3^6 × 2/3^8 = 2/3^3x − 1 है तो x बराबर व्हाट। तो बराबर के इस साइड में इंटू में है और इनका बेस है 2/3 और इसका भी 2/3, तो हम इसके पावर को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3^8 × 6 = 14/2/3^3x − 1, 2/3 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 14 = 3x − 1। ये इधर
वन माइनस में इधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग इस पे देखते हैं, जैसे दिया है यदि a बटा बी के पावर 5 इंटू बी बटा ए के पावर माइनस 4 इक्वल टू ए बटा बी के पावर 2x प्लस 1 है तो x इक्वल टू व्हाट। सिंपल है, क्वेश्चन है कि यदि a बटा बी के पावर 5 इंटू बी बटा ए के पावर माइनस 4 इक्वल टू ए बटा बी के पावर 2x प्लस 1 है तो x इक्वल टू व्हाट। तो इसके दो उपाय हैं, या तो अगर ये b बटा ए में है तो इसको भी b बटा ए में रख दें और इसको भी b बटा ए में लिख दें, या अगर ये दोनों a बटा बी में है तो ये जो b बटा ए हमें दिख रहा है इसको भी हम a बटा बी के रूप में लिख दें। तो आसान यही होगा क्योंकि यहाँ पर दो तो सेम है ही, यह एक अलग है जो b बटा ए है, तो हम इसको a बटा बी के रूप में बना देते हैं। तो जब हम इसको a बटा बी के रूप में बनाएंगे तो इसका जो घात है इसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाने का मतलब है कि अगर ये घटाव में होगा तो ये जोर में हो जाएगा और जोर में रहने पर घटाव में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बटा बी के पावर 5 इंटू ये b बटा ए है, तो अगर इसको हम a बटा बी करेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू a बटा बी के पावर 2x प्लस 1। तो ये a बटा बी है, a बटा बी है इंटू में है तो इसके पावर जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना 5 और 4 9, यानी a बटा बी के पावर 9 इक्वल टू a बटा बी के पावर 2x जोर 1, a बटा बी से a बटा बी कैंसिल हो गया तो इधर बचा 9 इक्वल टू 2x प्लस 1, 1 इधर है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 2x। हल करेंगे x बराबर कितना आएगा 4 आएगा और इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। तो अब हम लोग ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसमें अभी जो हम एग्जांपल लिख रहे हैं ये एग्जांपल रेलवे के एग्जाम में भी आया है और एसएससी के भी एग्जाम में आया है। जैसे दिया है कि 2 के पावर 60 का 2 गुना क्या होगा। एग्जाम्पल है कि 2 के पावर 60 का 2 गुना क्या होगा और इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए था 2 के पावर 120, ऑप्शन बी में था 4 के पावर 120, ऑप्शन सी था 2 के पावर 160 और ऑप्शन डी था नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 60 का 2 गुना क्या होगा और ऑप्शन आपके सामने ए में है, 2 के पावर 120 ऑप्शन बी में है, 4 के पावर 120 सी में है, 2 के पावर 160 और डी में है नॉन। तो हम देखते हैं इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 के पावर 60 का 2 गुना, तो 2 के पावर 60 का अर्थ होता है गुना और दो गुना का मतलब होता है इंटू दो। तो अगर कोई संख्या है और इसके पावर में कोई अंक नहीं है तो एक है, तो इनका बेस इक्वल है और ये संख्याएं अगर गुना के रूप में है तो आप जानते हैं कि जब भी बेस इक्वल होगा और इंटू में होगा तो हम इसको क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे। तो ये हो जाए कितना 60 और 161, यानी आपका सही जवाब होगा कितना 2 के पावर 161 जो ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नोट देखते हैं। नोट नंबर होगा 6। जब दो या दो से अधिक संख्या का आधार समान हो और ये संख्याएं भाग के रूप में हो तो इनके
पावर को घटाएंगे। देखिए इसके ऊपर वाला नोट था कि जब दो या दो से अधिक संख्या का आधार समान हो और गुना में हो तो पावर को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी है नोट कि जब दो या दो से अधिक संख्या का आधार समान हो और ये संख्याएं भाग के रूप में हो तो इनके पावर को घटाएंगे, यानी कि गुणा के रूप में रहने पर जोड़ देंगे और भाग के रूप में रहने पर घटाएंगे। जैसे एग्जांपल है कि दो के पावर छः भाग गया है दो के पावर तीन, तो ये भाग में है और आधार इसका इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसके पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो छः में से तीन जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो के पावर तीन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो के पावर छः बट्टा दो के पावर तीन, बट्टा का मतलब भी भागी होता है, तो इनका बेस इक्वल है, तो इसके पावर को घटाएंगे, छः में से तीन जाएगा तीन, अर्थात हो जाएगा दो के पावर तीन। जैसे मैंने लिख दिया x के पावर a भागे x के पावर b, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x के पावर a माइनस b, क्योंकि ये भाग में है तो इसका पावर घट जाएगा। या अगर हम इसको ऐसे लिख दें x के पावर a बट्टा x के पावर b, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कितना, x के पावर a माइनस b, क्योंकि ये बट्टा है और बट्टा का मतलब भाग होता है, तो जब भी संख्या भाग में हो और इसका बेस इक्वल हो तो इनके पावर को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देखते हैं अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल। जैसे दिया है कि दो के पावर पाँच गुने दो के पावर सात गुने दो के पावर छः बटा दो के पावर आठ गुने दो के पावर तीन इक्वल टू दो के पावर x माइनस वन है, तो x इक्वल टू व्हाट। सिंपल है, दो के पावर पाँच गुने दो के पावर सात गुने दो के पावर छः बट्टा में दो के पावर आठ गुने दो के पावर तीन बराबर दिया है दो के पावर x माइनस वन है, तो x इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इनका बेस इक्वल है और इनटू में है, तो हम इनके पावर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे सात और पाँच बारह और बारह और छः हो जाएगा अट्ठारह, यानी दो के पावर अट्ठारह बट्टा में इनका भी बेस इक्वल है, तो ये हो जाएगा आठ और तीन ग्यारह, यानी दो के पावर ग्यारह इक्वल टू हो जाएगा दो के पावर एक्स माइनस वन। अब देखिए अब इनका बेस इक्वल है और ये संख्या भाग में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके पावर को घटा देंगे, यानी अठारह में से ग्यारह जाएगा तो क्या होगा सात, यानी दो के पावर सात बराबर दो के पावर एक्स माइनस वन, दो से दो कैंसिल हो गया, तो सात इक्वल टू हो गया एक्स माइनस वन, ये इधर है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी एक्स बराबर क्या आ गया आठ आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, दिया है यदि x के पावर a बटा x के पावर b इंटू x के पावर यदि नहीं है सॉरी x के पावर a बटा x के पावर b इंटू x के पावर b बटा x के पावर c इंटू x के पावर c बटा x के पावर a का मान होगा। तो सिंपल है, हम लोग इसको एक जनरली ऐसे बना सकते हैं कि x के पावर a बटा x के पावर b गुने x के पावर b बटा x के पावर c गुने x के पावर c बटा x के पावर a से कैंसिल c से c और ये b से b, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, एक आ गया। एक और मेथड हम लोग इसमें लगा सकते हैं कि ये देखिए इनका बेस इक्वल है तो और ये संख्या भाग में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके पावर को घटा देंगे, यानी इनको लिख सकते हैं x के पावर a माइनस बी इंटू, इसको लिख सकते हैं x के पावर b माइनस सी इंटू, और इसको लिख सकते हैं x के पावर c माइनस a। अब इनका बेस इक्वल है और ये सब संख्या इंटू में है, तो हम इनके पावर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर a माइनस बी जोड़ बी माइनस सी जोड़ सी माइनस ए, सी से सी के हो गया कैंसिल माइनस बी प्लस बी और ये हो गया कैंसिल, तो ऊपर में क्या बचा जीरो, तो एक्स के पावर जीरो। तो मैंने एक कल नोट लिखवाया था कि किसी भी संख्या के पावर में जीरो रहने पर इसका मान एक होता है, यानी एक्स के पावर
जीरो का वैल्यू क्या होगा, एक होगा, और आंसर क्या हो गया, एक हो गया। तो इससे भी आंसर एक ही आया था और अभी भी आंसर क्या आ गया, एक आया। तो हम लोग इसका जनरली एक नोट याद रखेंगे कि ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा एक होता है, हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा एक होता है। जैसे और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे दिया है कि यदि, सॉरी एग्जाम्पल है कि एक्स के पावर ए बटा एक्स के पावर बी और इसके पावर में है ए जोर बी इंटू एक्स के पावर बी बटा एक्स के पावर सी इसके पावर में है बी जोर सी इंटू एक्स के पावर सी बटा एक्स के पावर ए और इसके पावर में है सी जोर ए इक्वल टू व्हाट। तो आप जनरली अगर इसको बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा कितना, वन आएगा, लेकिन एक आएगा कैसे, इस बात को हम लोग समझते हैं, याद रखेंगे हमेशा। एग्जाम में इसको हल नहीं किया जाएगा, बस सिर्फ देखिए और आंसर इसका लगा दीजिए बस। तो सबसे पहले इनका बेस इक्वल है और ये संख्या भाग में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके पावर को घटा देंगे, यानी इनको लिख सकते हैं एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए जोर बी इंटू ये हो जाएगा एक्स के पावर बी माइनस सी इंटू बी जोर सी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए इंटू हो गया सी जोर ए। कोष्टक जब खोलते हैं तो ये इंटू होता है, इनका इंटू होगा, तो हम लोग बचपन से एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए जोर बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा x के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इनका बेस इक्वल है और ये संख्या इंटू में है, तो हम इनके पावर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जोर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऊपर में क्या बचा जीरो, तो एक्स के पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो ध्यान देंगे जब भी ऐसा सवाल मिले तो इसका आंसर भाई क्या होगा, वन होगा बस। एक और एग्जांपल, यदि ए बी सी इक्वल टू वन है तो, यदि ए बी सी इक्वल टू वन है तो एक बटा एक जोर ए जोर बी सी के पावर माइनस वन जोर एक बटा ए जोर बी जोर ए सी के पावर माइनस वन जोर एक बटा एक जोर सी जोर ए बी के पावर माइनस वन इक्वल टू व्हाट। तो इसका आंसर क्या होगा, वन होगा। इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा, लेकिन वन आएगा ऐसे। तो इसको हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। मेथड नंबर वन थोड़ा सा लॉन्ग होगा और मेथड नंबर जो दूसरा होगा, हम लोग इसमें अपना देसी जुगाड़ लगाएंगे कि अगर ए बी सी यानी ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू वन है, यानी ऐसी कोई भी तीन संख्या ले लीजिए जिसको इंटू किया जाए तो एक आ जाए, क्योंकि एक ए है एक बी है एक सी है, तो ऐसी कोई भी तीन संख्या जिसको इंटू किया जाए तो एक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर एक गुने एक अगर हम पढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा, यानी कि ए का भी वैल्यू एक है, बी का भी वैल्यू एक है और सी का भी वैल्यू क्या है, एक है। तो एक बटा एक जोर ए है तो ए का वैल्यू एक है, जोर बी सी तो बी का भी वैल्यू एक सी का भी वैल्यू एक इंटू होगा एक गुने एक एक हो जाएगा, तो एक के पावर माइनस वन जोर एक बटा एक जोर बी का मान एक ए सी हो जाएगा एक, तो एक के पावर माइनस वन जोर एक बटा एक जोर सी का मान एक और ए बी का भी मान एक, तो एक के पावर हो जाएगा माइनस वन, तो एक बटा एक जोर एक के पावर माइनस वन का मतलब भी वन ही होगा, क्योंकि एक बटा एक होगा और एक से एक में भाग देंगे वन आएगा, तो एक के पावर माइनस वन यानी एक के पावर में कोई भी संख्या दिया हो उसका मान वन होगा, जोर एक बटा एक जोर वन के पावर माइनस वन का मतलब वन बटा एक जोर वन के पावर माइनस वन का मतलब वन, तो ये हो जाएगा एक बटे तीन जोर एक बटे तीन जोर एक बटे तीन और इसका एलसीएम क्या होगा, तीन 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 का एलसीएम तीन होगा, तीन से तीन एक बार में एक गुने एक एक जोर एक जोर एक बराबर ये तीन बटे तीन का मतलब क्या हो गया, एक हो गया, है ना।
तो जनरली मैंने आपसे बोला कि इस ऐसे सवाल को सिर्फ देखना है और रंग और इसका ऑप्शन सिर्फ ढूंढना है ना। इसके आंसर एक मैंने बताया था और एक आया भी है ना। तो चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है कि 3 के पावर 20 का 1/3 क्या होगा। सिंपल एग्जांपल है कि 3 के पावर 20 का 1/3 क्या होगा। तो लिख सकते हैं 3 के पावर 20 का माने हो गया गुना 1/3 का मतलब 1/3। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 20/3। 3 के पावर में कोई अंक नहीं है तो 1 है। तो जब भी इनका बेस इक्वल हो और ये संख्या भाग में हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे, अर्थात 20 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 19। यानी आंसर क्या होगा, 3 के पावर 19 आपका सही जवाब होगा।